वकार यूनुस को बार बार पाकिस्तान टीम इंतजामिया में लाया जाता है। हालांकि अगर वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के साथ ना होते तो शायद आज अहमद शहजाद और उमर अकमल दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल होते। अगर मिसबा और वकार यूनुस की अना ना होती तो सुहेब मकसूद इस वक्त दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होते। शाहिद आफरीदी ने जितना अरसा पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको जिस तरीके से बार बार वकार यूनुस की अना की भेंट चढ़ाया जाता रहा, वो भी हरगिज काबिल बर्दाश्त बात नहीं थी। अब्दुल रजाक क्रिकेट की दुनिया के बड़े ऑलराउंडर्स में से एक जाने जाते थे। अगर वकार यूनुस की अना बीच ना आती तो शायद अब्दुल रजाक मजीद कुछ अरसा तक पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे, मगर हमने माजी से कुछ ना सीखा और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट और बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल इसी वकार यूनुस और मिसबा के हवाले कर दिया। और आज एक और खिलाड़ी और इस वक्त आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के सातवें बेहतरीन बॉलर मोहम्मद आमिर भी मिसबा उल हक और वकार यूनुस की अना की भेंट चढ़ गए। मोहम्मद आमिर एक बासलाहियत और नौजवान बॉलर हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत से मैच जीत चुके हैं। वही मोहम्मद आमिर जिसके बारे में इस सदी का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल आमिर का सामना करते हुए होती है। अभी भी वक्त है कि आवाम आवाज़ उठाए और मोहम्मद आमिर को इंसाफ दिया जाए और वकार यूनुस मिसबाह उल हक की इस जोड़ी से पाकिस्तान क्रिकेट की जान छुड़वाई जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत से नौजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं और ये दोनों इनका कैरियर भी बर्बाद कर सकते हैं।